नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफार्म पर लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स पर डिस्कस करते हैं। जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो यह 2-3 महीने की बात नहीं है, यह 2-3 साल से भी ज़्यादा की बात है। केवल 6% लोग ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप उन 6% लोगों में से हैं तो आप सही प्लेटफार्म पर हो। 90% लोग FNO या डे ट्रेडिंग में काम करते हैं। उनमें से भी 90% लोग नए हैं, बिगनर्स हैं। इनमें से भी 90% स्टूडेंट या 30 साल से कम उम्र के, 25 साल से कम उम्र के हैं, जो समझते हैं कि हम डे ट्रेडिंग से अच्छा पैसा कमा लेते हैं। 6 घंटे टीवी या कंप्यूटर के सामने बैठे रहने से हम सारा कुछ सीख गए हैं और महीने में 10-15 हज़ार कमा भी लें अगर, क्योंकि बहुत बार मार्केट लगातार ऊपर जा रही होती है, यानी मार्केट का मोमेंटम बना होता है, उनमें एक कम्प्लेक्स आ जाता है कि हम कम पैसे लगाकर भी अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन मार्केट में स्लिपरी डेज भी आते हैं। मेरी उन सभी बिगनर्स से सलाह है कि वह ट्रेडिंग करते हैं तो उनमें से 10-20 लोगों को चेक जरूर कर लें जो ट्रेडिंग करते हैं। सभी लगभग लॉस में होंगे, कुछ तो दिवालिया हो जाते हैं, कुछ डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो इस पे ज़्यादा कुछ ना कह के हम कृपया डे ट्रेडिंग से बचें। इस तरह तरह की ऐप्स अवेलेबल है मार्केट में जो ट्रेडिंग सिखाने का प्रॉमिस करती हैं, और आपके डे ट्रेडिंग से बचना चाहिए। इसमें केवल ब्रोकर्स को और टिप देने वाले को ही लाभ मिलता है। आज हम एक सेफ शेयर जो टाटा केमिकल बताना चाहते हैं, जिसके दाम 1010 के आसपास हैं, 52 वीक हाई एंड लो 1110 रुपये और 876 रुपये है। मार्केट कैप लगभग 26,000 करोड़ है, फेस वैल्यू 10 रुपये है। सेक्टर पी पर मिल रहा है, 774 रुपये बुक वैल्यू है, मजबूत शेयर है। टाटा का ब्रांड है, टाटा के शेयर एक समय एक सभ्य प्रदर्शन करते हैं। रिस्क बहुत कम है। ICICI Direct.com ने खरीदना टैग के साथ 1170 रुपये का लक्ष्य दिया है। यह आइडियल निवेश हो सकता है अगर रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। तो दोस्तों, अब हमारे पास दो और शेयर हैं जिनकी हम बात करते हैं। हम बात करेंगे BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड के शेयर पर। BLS इंटरनेशनल का बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम देखेंगे प्राइस वैल्यूएशन क्या है। BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड BLS वैश्विक उपस्थिति और सेवाओं की विविध सीरीज के साथ 4 दशक पुराने BLS समूह का हिस्सा है और वीज़ा एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग में सबसे बड़ा वैश्विक खिलाड़ी है। कंपनी 2 खंडों में काम करती है, एक वीज़ा और कंसुलेट सेवाएं, दूसरा डिजिटल सेवाएं जिनमें ई गवर्नेंस सेवाएं, जिनमें बैंकिंग संवाददाता सहायक सेवाएं और ई कॉमर्स शामिल है। कंपनी यूपी, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और एस्टोनिया के लिए 3 गवर्नेंस जैसी अन्य उच्च विकास तकनीक सक्षम सेवाएं और विविधता ला रही है। कंपनी SBI के लिए कनेक्टिविटी भी संभालती है। कंपनी ने नागरिक सेवाओं और वित्तीय समावेशन के लिए राज्यों में सेंटर खोले हैं। तो आगे हम ज्योग्राफिकली देखें तो कंपनी की उपस्थिति 66 से अधिक देशों में है। दुनिया भर में 4550 सरकारी ग्राहक और 50,000 एप्लीकेशन सेंटर हैं। आवेदकों को सुविधा सेवाओं का तेज़ी से विस्तार हो रहा है। कंपनी के FY23 तक 4 सहायक कंपनी और 14 अंतर्राष्ट्रीय सहायक पार्टनर्स हैं। कंपनी का 89% राजस्व वीजा आउटसोर्सिंग से आता है, 9% ई गवर्नेंस से, 2% बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट बिजनेस से आता है। Q1 FY23 में केवल कंपनी ने 105.91 करोड़ में जीरो मास प्राइवेट लिमिटेड में 88.26% इक्विटी प्राप्त की है। बिजनेस मॉडल लगभग मोनोपोली का है। हमारी टीम 10 में से 10 नंबर इसको देती है। अब हम BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड के फंडामेंटल्स को सीखते हैं। मार्केट कैप 11,636 करोड़ है, स्टॉक पी 43.6 है, बुक वैल्यू 23.10 रुपये है, डिविडेंड 0.27% है, ROE 29.50% है, फेस वैल्यू 1 रुपया है। कंपनी कर्ज मुक्त है,
कंपनी अच्छे रिजल्ट्स पेश कर रही है, तिमाही दर तिमाही अच्छे रिजल्ट्स पेश कर रही है, कॉन्स्टेंट नील हैं। अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं, इनमें एक आप पिछले क्वार्टर का और एक कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर के रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं। सितंबर 22 से जून 23 और सितंबर 23 सेल है जो 357 करोड़ थे सितंबर 22 में, जून 23 में 383 करोड़ और सितंबर 23 के अंदर 408 करोड़ हुई। OPM सितंबर 22 के अंदर 16% था, जून 23 के अंदर 21% था और सितंबर 23 के अंदर भी 21% था। नेट प्रॉफिट है जो सितंबर 22 के अंदर 51 करोड़ था, जून 23 के अंदर 71 करोड़ था और सितंबर 23 के अंदर 82 करोड़ था। सेल OPM नेट प्रॉफिट लगातार तिमाही दर तिमाही बढ़ रहे हैं, रिजल्ट्स मोर देन सेटिस्फैक्ट्री है। अब YoY प्रॉफिट एंड लॉस भी चेक कर लेते हैं, मार्च 22 मार्च 23 और TTM देख लेंगे जो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक का है। सेल है जो 850 करोड़ थे मार्च 22 में, बढ़कर 1516 करोड़ हो गई मार्च 23 में। TTM 1678 करोड़ है। OPM 13% था मार्च 23 में, 15% हो गया। TTM 18% हो गया। नेट प्रॉफिट 111 करोड़ था मार्च 22 के अंदर, मार्च 23 के अंदर 204 करोड़ था और TTM 276 करोड़ था। सेल OPM नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, शानदार दमदार रिजल्ट्स हैं। स्टॉक प्राइस CAGR 5 साल में 57% है, स्टॉक प्राइस CAGR 3 साल में 129% बढ़ी है और 1 साल में 55% बढ़ी है कंपाउंड प्राइस। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले साल की 30% है और 3 साल की एवरेज 22% है। बैलेंस शीट है जो उसमें देख लेते हैं, रिजर्व है जो 911 करोड़ है, बोरिंग 22 करोड़ है, डेट फ्री कंपनी है। इन्वेस्टमेंट 92 करोड़ की है जो बढ़ के अब 300-400 करोड़ की हो सकता है हो गई हो। कैश फ्लो प्लस 30 करोड़ है, कैश की कोई कमी नहीं है कंपनी के पास, हमेशा कैश रहता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22% से बढ़कर 32% हो गई है। कैपिटल एम्प्लॉय कैसे की जाती है इस कंपनी की, ये एक बहुत ही शानदार इसने एम्प्लॉयमेंट करके दिखाई है जो 22% से बढ़कर 32% रिटर्न देने लगी है किसी भी तरह की कैपिटल को, ये इस कंपनी की एफिशिएंसी दिखाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के 71.52% है, FII 7.66% है, DII 0.7% है, पब्लिक के पास 20.49% है और अदर्स के पास 0.26% है। फंडामेंटल्स में कहीं कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है। हमारी टीम कंपनी में फंडामेंटल्स को 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड के प्राइस वैल्यूएशन पर बातचीत करेंगे। क्या यह शेयर उचित दाम पर मिल रहा है, क्या इन्वेस्ट इस शेयर में किया जा सकता है, अगर हाँ तो टारगेट क्या रह सकते हैं, हम बाजार एक्सपर्ट की राय भी ले लेते हैं। शेयर अपनी अर्निंग की 43 की मल्टीपल पर मिल रहा है, 43 की, सेक्टर PE 50 है तो थोड़ा सस्ता ही मिल रहा है, दाम तो उचित है, इन दामों पर निवेश किया जा सकता है। इस कंपनी के शेयर ने एक साल में 55%, 3 साल में 1096% का रिटर्न दिया है। शेयर के फंडामेंटल्स जबरदस्त है, मजबूती से होल्ड कर रहे, ऐसा बाजार के जानकार कहते हैं। इसका एक वर्ष का अनुमान एक फोरकास्टिंग कंपनी ने 296 रुपये लगाया है, हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 350 रुपये तक एक साल में जा सकता है, 5 साल में 600 रुपये से ऊपर जा सकता है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। तो दोस्तों एक और शेयर है हमारे पास, DU डिजिटल ग्लोबल लिमिटेड, DU डिजिटल ग्लोबल लिमिटेड के शेयर पर बात करेंगे। आज के दाम 44 रुपये है, 52 वीक हाई एंड लो 83 रुपये और 30 रुपये है, मार्केट कैप 312 करोड़ है, कंपनी प्रॉफिट में है, फेस वैल्यू 2 रुपये है, कर्जा नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग 65.93% है, FII 15.97% है। DU डिजिटल ग्लोबल वीज़ा आवेदन और अन्य देशों के दूतावास की तकनीकी वीज़ा प्रोसेसिंग यूनिट के बीच मानव इंटरफेस के प्रबंधन में लगी हुई कंपनी है। कंपनी को रॉयल थाई दूतावास से अनुबंध मिला है जिसमें थाईलैंड जाने के इच्छुक यात्रियों के वीज़ा का प्रबंध संभालने का जिम्मा इस कंपनी का होगा। कंपनी ने इसी वर्ष 3:1 का बोनस दिया है, यानी एक शेयर पर 3 का बोनस दिया है। पॉजिटिव फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं और इकोनॉमिकली साउंड SME यूनिट है ये।
आशीष कचोलिया दिग्गज निवेशक के पास 4.96% की इक्विटी है। स्टॉक ने 3 साल में 1200% का रिटर्न दिया है। लंबे समय के रखने के लिए उपयोगी एसएमई स्टॉक है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में, और लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।